हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी न्यूज़ टुडे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक मैं शेयर करना ना भूलेगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है नोट 9 की स्पेसिफिकेशन। आपको स्क्रीन में आप नोट 9 की जो पिक है वो आप देख सकते हैं। ऐसा आपको नोट 9 देखने में आपको मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। अगर आप स्क्रीन की बात करें तो आपको स्क्रीन मिलती है 6.4 इंच की सुपर एमोल्ड डिस्प्ले, जो कि आपको अल्ट्रा HD आपको डिस्प्ले मिल जाती है और HD प्लस भी हम इसे कह सकते हैं। तो गाइस, इसके वेट की बात करें तो आपको व्यू मिल जाता है 201 ग्राम का, आपको इसमें वेट मिल जाता है। और आपको ये फ्रेश वाटर में अगर हम इसमें 1.5 मीटर तक कर सकते हैं, वो भी 30 मिनट के लिए। यानी आपको ये वाटर रेजिस्टेंट आपको फ़ोन मिल जाता है और आपको डस्ट रेजिस्टेंट भी आपको ये मिल जाता है। तो गाइस, आपको इसमें एक एस पेन की फैसिलिटी मिलती है। अगर आप अपने किसी भी पेन के साथ इसे एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे भी कर सकते हैं। तो गाइस, हम बढ़ते हैं हम इसके प्रोसेसर की तरफ। वो आपको मिलता है क्वालकॉम का 10 नैनोमीटर का स्नैपड्रैगन 845 ऑक्टाकोर प्रोसेसर, जो कि क्लॉक्ड है 2.8 गीगाहर्ट्ज़ पर। और आपको इसमें एंड्रीनो का 630 GPU मिल जाता है। और आपको ये इंडिया में स्पेसिफिकेशन में कुछ फर्क देखने को आपको मिल जाता है। इंडिया में अभी तक ये लॉन्च नहीं हुआ है। तो अगर हम इसके इंटरनल स्टोरेज और रैम की बात करें तो आपको रैम इसमें एक 6 GB मिल जाती है और 1 GB मिल जाती है। और आपको जो इंटरनल स्टोरेज है वो आपको 2 टाइप्स की मिल जाती है, 128 GB और 512 GB की। और आप इसमें एक्सपेंड कर सकते हैं 1 TB तक डाटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको वेरिएंट कलर में मिल जाता है। यहाँ पे आप 4 कलर्स आप देख सकते हैं जो इसमें आपको मिलते हैं। तो अगर हम इसके कैमरा की बात करें तो कैमरा आपको जो फ्रंट का मतलब जो आपको प्राइमरी कैमरा होता है वो आपको मिल जाता है 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल के साथ। एक कैमरा जो आपको वाइड एंगल मिलता है जिसमें आपको अपीचर जो है वो चेंज कर सकते हैं 1.5 और 2.4, जो आपको डुअल अपीचर कैमरा आपको मिलता है। तो गाइस, इसमें आपको दो कैमरे मिलते हैं। दूसरा जो है वो आपको 12 मेगापिक्सल का आपको मिलता है, जो कि आपको टेलीफोटो लेंस के साथ मिलता है। और आप इसमें डिजिटल जूम कर सकते हैं 10x और इसमें ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं आप 2x। तो गाइस, इसमें आप अच्छा आपको प्राइमरी कैमरा इसमें मिल जाता है। तो अगर हम इसके जो फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात करें तो वो आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का और इसमें आपको 1.7 का अपर्चर मिल जाता है। और आपको इसमें अच्छी सेल्फीज आप इससे ले सकते हैं। इसमें आपको और भी ऑटो मोड आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अगर हम इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आपको एंड्रॉयड का 8.1 ओरियो बेस्ड एक्सपीरियंस मिल जाता है, जो कि आपको बहुत ही लेटेस्ट में आपको इसमें मिलता है। तो आप इसमें तरह तरह के अनलॉक मतलब कोई भी आप लॉक लगा सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो कि बायोमेट्रिक यानी आप इसमें फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं, अपना फेस स्कैन लगा सकते हैं, आयरस स्कैन लगा सकते हैं और आपको पिन वगैरह लगा सकते हैं, कोई भी आप इसमें लॉक लगा सकते हैं। तो गाइस, अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको डुअल आपको जो मिलता है वाईफाई बैंड आप कनेक्ट कर सकते हैं और आपको ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं, GPS मिलता है आपको, MST, NFC जैसे सारे जो लेटेस्ट आपको कनेक्टिविटी ऑप्शंस है वो आपको मिल जाते हैं। और आपको कनेक्टिविटी करने के लिए आपको USB टाइप सी पोर्ट आपको मिलता है। तो गाइस, ये आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। और आपको RGB लाइट राइट सेंसर भी आपको मिलता है और आपको आयरिस स्कैनर सेंसर भी मिल जाता है और प्रेशर सेंसर भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपको मिल जाता है। तो गाइस, एक्सेलरोमीटर भी आपको मिल जाता है और आपको बैरोमीटर भी मिल जाता है। तो गाइस, जो कि एक लेटेस्ट फ़ोन में आपको मिलता है वो सारी आपको मिल जाते हैं। तो गाइस, अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप अभी तक बाय नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। अगर आप किसी और कंट्री से आपको ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो आप मंगा सकते हैं। अगर जब भी ये इंडिया में लॉन्च होगा मैं आपको एक वीडियो के जरिए एक नोटिफिकेशन दे दूंगा। अगर आपने मेरे बेल आइकन को दबाया हुआ है तो आपको वो नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगी। तो चलिए, हम आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अच्छी लगी तो यार प्लीज़ कमेंट लाइक शेयर करना ना भूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।